हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तक हम धरना प्रदर्शनों से लेकर और न जाने कितनी न्यूज़ देते रहे हैं, लेकिन कभी पीड़ित निवेशकों की कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं आई। लेकिन आज दोस्तों हमारे पास एक पल्स पीड़ित निवेशक का एक पोस्ट हमारे पास आई है, जिसको हमने खोला है। तो दोस्तों उस पत्र में क्या लिखा है, आइए आप सभी लोगों के लिए इसे हम आप तक पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं। इसमें लिखा है, निवेशक के हित के लिए ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान मुख्य सहयोगी संयोजक सलाहकार कार्यकर्ता श्रीमान सीबी यादव जी के नाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पृथ्वीराज यादव जी के बाद संगठन की कमान आपको सौंपी गई। आपने अपने प्रयासों से 2 फरवरी 2019 को जंतर मंतर पर एक दिन की सभा बुलाई, जिसमें कई नेताओं को मंच पर बुलाया गया। उससे पहले भी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर आपने सहयोग किया। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी संगठन की तरफ से कांग्रेस के लिए प्रचार और वोट डलवाने का कार्य किया, जिसके लिए सभी प्रमाण भी हैं। उपरोक्त सभी कार्यकलापों से किसी के लिए भी यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आप एक राजनीतिक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और कांग्रेस से समर्थक हैं। अतः कांग्रेस से अच्छी पहुंच और के कारण ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने की वजह से मीडिया में भी आपकी अच्छी पकड़ है। आपने इन आंदोलन में अपनी जगह बनाकर कांग्रेस को भी इनकी पीड़ा और संख्या के से अवगत करा दिया है। यहाँ दोस्तों ये पल्स निवेशकों के बारे में कह रहे हैं कि आपने इन निवेशकों की संख्या और इनके बारे में अवगत करा दिया गया है, जिससे कि भविष्य में कांग्रेस के वोटों में इजाफा हो सके, जिसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी प्राप्त होगा। अभी भी हाल इन्वेस्टर की 4 विभाजित भागों में आपने राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है। इसका मतलब यह है कि संगठन आगे राजनीतिक जिम्मेदारियां ही निभाएगा, कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस में इतनी अच्छी पकड़ के बावजूद भी जहां सबसे अधिक कंपनी की जमीन है, जहां से कंपनी की शुरुआत हुई, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक पंजाब में भी निवेशकों के हक के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था। अतः आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि वाकई में कांग्रेस जैसी चाहती है वैसा हो, तो इस मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सामने आना होगा। कांग्रेस में सांसद भी हैं, लेकिन अभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। केवल वोटों के लिए ही चुनाव के समय गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रायोजित राजनीतिक कारण से इस आंदोलन को स्वेच्छा से हिस्सा बने हैं, तो सबके साथ मिलकर सहयोग के साथ निवेशकों के हित में कार्य करें। यह जनता है, किसी को नहीं छोड़ती। धन्यवाद, एक पल्स पीड़ित। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी पोस्ट हमारे पास एक पल्स पीड़ित निवेशक की आई है। तो दोस्तों आपको अगर ये न्यूज़ पसंद आए तो आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं।